भजन गाकर इस पल का साक्षी बनना चाहता है, तो कोई रामायण की जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं उसे लिखकर साक्षी बनना चाहता है। कुछ ऐसी ही चाहत है राजस्थान उदयपुर के रहने वाले महेश वैष्णव की, जिन्होंने रामचरितमानस को चित्रों में उकेरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रों में रामचरितमानस का। तो पीछे तस्वीर आप देख रहे होंगे और इस तस्वीर में रामचरितमानस के आपको अलग अलग प्रसंग नजर आ रहे होंगे जो चित्रों में उकेरे गए हैं। और इस रामचरितमानस की यानी कि इस पूरे फोटो फ्रेम की क्या खासियत है, बात करने के लिए हमारे साथ खुद वो कलाकार मौजूद हैं जिनका नाम है महेश वैष्णव। वैष्णव जी, जिस तरीके से राम मंदिर का इंतजार सालों से लोगों को था और 22 जनवरी वो दिन बेहद नजदीक है, आपने चित्रों के माध्यम से एक रामचरितमानस यहाँ पर उकेरी है, तो किस तरीके से ये शुरुआत हुई और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? और ये जून महीने में मेरे हनुमान जी इष्ट है, तो उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए थे और एक प्रेरणा दी थी कि आप राम जी के संबंधित कोई पेंटिंग बनाए, तो मैंने 108 पेंटिंग का निर्णय लिया, जो 108 हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र अंक है, तो 108 पेंटिंग बनाने का संकल्प लिया और पूरा सबसे पहले स्केच किया इसका। लगभग 2.5 महीने लगे स्केच करने में और उसके बाद में फिर कलरिंग का काम हुआ और एक एक पेंटिंग का कलरिंग का काम किया है। इसमें गोल्ड का वर्क है और जो कलर हमने लिए हैं वो नेचुरल कलर है, जो गाय को हमारे पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में, तो गाय के गोबर से मिला के और कलर से काम मैंने किया है और ये मिनिएचर पेंटिंग है। सर बिल्कुल मिनिएचर पेंटिंग है और जब हम माला जपते हैं तो मन के भी 108 ही होते हैं और आपने 108 अलग अलग तस्वीरों को एक फोटो फ्रेम का रूप यहाँ पर दिया है। तो ये सारे जो प्रसंग है राम जन्म से लेकर, मैं यहाँ दिख रही हूँ कि राम मंदिर का भी एक हमें मॉडल दिखाई दे रहा है, तो क्या राम मंदिर तक का बनने तक का जो पूरा इंतजार था लोगों का वो कहीं इस तस्वीर में देखने के लिए मिलेगा? हाँ, मेरे मन में यही था संकल्प कि प्रभु श्री राम के पूरा रामायण जी का संक्षिप्त रूप में जितना हो सकता है वो करूँ। 108 में मैंने सारा चित्रण किया है और ये लास्ट 108वीं पेंटिंग है जिसमें राम राजतिलक होता है, तो राम के जन्म से पहले और आज 22 तारीख को जो मंदिर की हमारी स्थापना हो रही है यहाँ तक मैंने दिखाया है। और इस राम मंदिर के उद्घाटन में, जैसे ये राम मंदिर है तो पीछे सूरज बनाया है, तो सनातन धर्म के लिए एक सूर्य की तरह, नए सूर्य की तरह है, उसकी किरणें पूरे वर्ल्ड में फैलेगी जो मोदी जी जो उद्घाटन करेंगे राम मंदिर का उनके द्वारा। बिल्कुल सूर्य की किरणों की तरह ही, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक संदेश देने की कोशिश आपने यहाँ पर की है, तो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज भी है कि बहुत सारे लोगों को निमंत्रण मिल रहा है, तो क्या आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है कि निमंत्रण आपके पास आए, अयोध्या आप जाना चाहते हैं? मैं हनुमान जी से ही बोलता हूँ, अभी जो भी कुछ हो रहा है वो हनुमान जी की कृपा से हुआ। ये समझ लो फ्रेम का रंग भी जो हनुमान जी के जो शरीर पे सुंदर सुंदर कलर होता है ना, वही बना है, तो साक्षात हनुमान जी ने बनवाई। तो मेरा मन है कि मोदी जी को मैं ये पेंटिंग दे और राम मंदिर में लगे, अब मैं ये हनुमान जी मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो हनुमान जी ने सपने में आकर आपको एक बात कही और आपने उस प्रेरणा स्वरूप इस तस्वीर को यहाँ पर बनाया। इसके अलावा भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर हैं, तो ये तस्वीर बनाने की यानी कि ये चित्रकारी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने कहा कि उदयपुर के आप रहने वाले हैं, अभी दिल्ली में, तो अगर हम संक्षेप में एक यात्रा जाना चाहें तो? पहले तो रोजी रोटी की समस्या थी तो पेंटिंग का काम वैसे ही चालू किया था, तो राजा महाराजों के चित्र बनाते थे, उदयपुर में रहता था मैं, फिर मेरे मन में एक कसक रहती थी कि मैं भगवान की पेंटिंग बनाऊं, तो 2001 में मैं दिल्ली आया और तब से कोई दूसरी पेंटिंग बनाई नहीं, भगवान की पेंटिंग ही बनी, इतनी कृपा हो गई। तो आप सिखाते भी हैं क्या पेंटिंग? हाँ, पूरे NCR में होम क्लासेस भी देता हूँ, काफी स्टूडेंट को मैंने सिखाया है। काफी सारे स्टूडेंट्स को आपने सिखाया है, तो बहुत सारी जगह पर आप सिखाते भी होंगे, तो अगर हम एक कहें कि एक कलाकार के लिए जिस तरीके से उसकी कला को पहचान मिलती है, तो ऐसे क्या अवार्ड्स और क्या कुछ? मुझे स्टेट अवार्ड मिला हुआ है और इसके अलावा सिल्क ग्राम में सिल्क सम्मान मिला हुआ है और उदयपुर में जो बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड है वो भी मिला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आर्टिस्टों का कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था, तो काफी मतलब भगवान की कृपा है। बिल्कुल भगवान की कृपा है। अब क्या इच्छा रखते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ मोदी जी से कि वो भी राम भक्त है और मैं भी राम भक्त हूँ, तो एक राम भक्त दूसरे राम भक्त की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, तो वो मैं चाहता हूँ ये राम मंदिर में लगे मोदी जी के माध्यम से।
तो एक राम भक्त दूसरे राम भक्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बस ये ही चाहते हैं कि ये जो उन्होंने पूरी रामचरितमानस अपने चित्रों में उकेरी है, जिसमें सभी तरीके से जो कलर्स हैं वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली कलर हैं, यहाँ तक कि जो गोबर है जिसे कि सात्विक माना जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ आप देखें तो आपको 108 अलग अलग प्रसंग की अलग अलग जो चित्र है वो यहाँ नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रभु राम का जन्म हुआ और उसके बाद कैसे उन्होंने उनको वनवास मिला, वनवास में हनुमान जी से मित्रता हुई और उसके बाद अलग अलग जो प्रसंग है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। और उसमें सबसे जो लास्ट एक तस्वीर है वो राम दरबार की है, तो राम दरबार की यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रभु श्री राम और माँ सीता के साथ पूरा जो राम दरबार है वो दिख रहा है। और 22 जनवरी जिसका इंतजार देश का हर व्यक्ति कर रहा है, वो राम मंदिर का मॉडल भी यहाँ पर उकेरा गया है कि किस तरीके से राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसका उद्घाटन हो जाएगा, तो सूर्य की किरणें किस तरीके से सनातन धर्म की सीख से विश्व भर में फैलेगी। और यहाँ पर महेश वैष्णव जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है, जिन्होंने बतौर शौक से तस्वीर बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन हनुमान जी के भक्त है और धीरे धीरे प्रेरणा मिली और उसके बाद उन्होंने जो भगवान है या देवी देवता है उनके चित्र बनाने की शुरुआत की। कई तरीके के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया है। अब उनकी इच्छा ये है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कभी मिल पाए और इसके साथ ही राम भक्त प्रधानमंत्री मोदी से उनकी ये भी एक इच्छा है कि इस रामचरितमानस को जिसको उन्होंने 108 चित्रों से यहाँ पर बनाया है और फोटो फ्रेम में संजोया है, अयोध्या के राम मंदिर में इस रामचरितमानस को भी स्थान मिल पाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना उपाध्याय, न्यूज 18।